तब तक आपके कदम मैदान हश्र में जो अल्लाह ताला के बारगाह में आप खड़े होंगे, आपके कदम एक ईंट भी हल नहीं पाएंगे जब तक कि तुम इसका जवाब नहीं देंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि मैंने जो उम्र दी थी क्या किया, और दूसरा सवाल होगा जो इल्म दिया था उस पर कितना अमल किया। चौथा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा कहां से कमाया, चौथा सवाल होगा कहां खर्च किया। मैंने जो उम्र दी थी वो क्या किया। अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दिया है, जो उम्र दिया है, बस इसी जिंदगी को और इसे उम्र की हकीकत को समझने के लिए ये महफिलों के कायम किया जाता है। आपके जहन में बार बार आता है कि बार बार ये महफिलों में क्यों बुलाया जाता है बार बार। तो हकीकत यह है कि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ अमराज और मुख्तलिफ बीमारियां लेकर लोग चले आते हैं और चाहते हैं कि वो परेशानियों से नजात पा ले, बीमारियों से वो शिफा पा ले, वो अपने मुसीबतों से नजात करे, बहरहाल बेचैन बेखरार दिल को करार मिल जाए, मुरझे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मेरे जख्म का मरहम मिल जाए, मुझे अपने दर्द की दवा मिल जाए। लेकिन याद रख लो, अल्लाह ताला ने मुरझे हुए चेहरे की मुस्कुराहट और मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए, बेचैन बेकरार दिल को करार पहुंचाने के लिए हर जख्म का मरहम दिया है, हर दर्द की दवा दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए कुछ शराइत भी रखा है। जैसे तबीब किसी मरीज का इलाज करता है तो इलाज से पहले वो परहेज भी बताता है। बेशक मरीज ये चाहते हैं कि परहेज ना करूं, सिर्फ मेरी बीमारियों का इलाज हो जाए। नहीं, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो बगैर परहेज के उसे शिफा मिल जाए। तो इस जमाने का ये तबीबों का उसूल है और ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखे हुए मुकद्दरात है। एक आदमी मुत्तकी बनना चाहता है तो उसके लिए परहेजगार बनना जरूरी है। एक आदमी कामिल ईमान वाला बनना चाहता है तो ईमान नामुकम्मल है, उसके ईमान को मुकम्मल बनाने के लिए शादीशुदा जिंदगी गुजारना जरूरी है। बगैर शादी के वो ईमान नामुकम्मल है और बगैर निकाह के वो मुत्तकी बनने का दावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि निकाह के बगैर आदमी मुत्तकी बन नहीं सकता। निकाह ही आदमी को परहेजगार बना देती है। तो इस जमाने का उसूल है कि बीमारियों के लिए इलाज के साथ साथ परहेज भी जरूरी है। शुगर के तभी जब गोलियां देते हैं तो मरीजों से बताते हैं कि शक्कर से परहेज कर लिया करो, वरना सुबह दोपहर शाम आप इंजेक्शन लेते हैं शुगर का, ये गोलियां खाते हैं, अगर परहेज ना करें तब भी आपका शुगर लेवल पर नहीं बल्कि हमेशा हाई होगा। जब शुगर ज्यादा हाई हो जाएगा तो इसका साइड इफेक्ट कभी आंखों पर पड़ जाता है, कभी दिमाग पर पड़ता है, कभी किडनियों पर पड़ता है, कभी हार्ट पर पड़ता है, मुख्तलिफ आजा पर। ये बीमारी इंसान को क्या कहते हैं, बीमार बना देती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अमराज और मुख्तलिफ बीमारियों की बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने आप सबका एक तबीब बनाकर अपने महबूब मुस्तफा के सदके मुंतखब करके इंतखाब करके आपकी खिदमत के लिए जब इसको बिठाया है तो इसके साथ भी मेरे रब ने कुछ शराइत रखा है। आसमानों पर बैठा मुख्तदिर अब्दुल मुख्तदिर के पास इन मरीजों को भेजता है। आसमानों पर बैठा मुख्तदिर अब्दुल मुख्तदिर के पास इन मरीजों को भेजता है। हैदराबाद के बहुत बड़े आलिम दीन, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, हमें करीब 80-85 साल उम्र है, वो मुझसे मुलाकात के लिए बाहर वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। उनके बेटे मुफ्ती हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं। वो अपने बाप से गुफ्तगू करते हुए कहने लगे कि अब्बा जान, आप शहर के इतने मशहूर और मारूफ आलिम दीन हैं, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, लोग क्या समझेंगे। तो वो पलट कर कहने लगे कि बेटा, ये कोई टाकीज है कि लोग फिल्म देखने आए हैं और मुझे देख कर कहें यहाँ क्यों बैठे हैं, ये कोई अय्याशी का अड्डा है जो लोग वेटिंग में बैठे हैं। मेरे बेटा, तबीब है, मैं मरीज हूँ। इमारत का सीधा होना और टेढ़ा होना
इंजीनियर बता सकता है, मुझे पता नहीं। इमारत तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके अंदर जो टेढ़ापन है वो इंजीनियर बता सकता है। मैं जिस कर्ज से गुजर रहा हूँ, जिस मर्ज से गुजर रहा हूँ, जिस बीमारी से गुजर रहा हूँ, जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, इस बीमारी की दिफा के लिए मुख्तलिफ डॉक्टरों और तबीबों के पास गया, उसके बावजूद भी मुझे इस मर्ज में इफाका नहीं हुआ, तो आलिम दीन अपने बेटे से बाहर गुफ्तगू करके जब मेरे कमरे के अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि हाफिज साहब ये मुफ्ती है, आलिम है, मुझसे कह रहा है कि अब अजान यहाँ क्यों आ गए। बोले हाफिज साहब क्या बताऊं इसे क्यों आया हुआ, ये तबीब है मैं मरीज हूं। यस, अल्लाह ने इसे सबब बनाकर बिठाया है, अल्लाह ने इसे तदबीर बनाकर बिठाया है, तकदीर अपने पास रखा है, दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, मुसब्बिब असबाब तदबीर के रास्तों को इख्तियार करने पर तकदीर के फैसले पर रखता है। मेरे से कहने लगे कि बेटा बेटा मैं कुछ ऐसी तकलीफ में और कुछ ऐसी परेशानी में मुब्तला हूँ, क्या बताऊं। मुख्तलिफ तबीबों, मुख्तलिफ हकीमों और मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास मैंने रुजू हुआ लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मर्ज में कोई इफाका नहीं हुआ। आखिर में मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैंने सोचा कि क्यों नहीं उम्रे पर जाए, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर अल्लाह ताला से क्या कहते हैं तौबा करें और अल्लाह ताला से इस मर्ज से इफाका और इस बीमारी में शिफा की दुआ करें। तो मैंने अपने इस बेटे को लेकर उम्रे के लिए गया, वहां भी काबतुल्लाह के गिर्द घूमता रहा, कभी दरो दीवारों को चूमता, कभी गिलाफ को पकड़कर अल्लाह ताला से अपने इस परेशानी की मैं परेशानी से छुटकारा और बीमारी से शिफा चाहता। फिर वहां से मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाबे अक्दस में हाजिरी दिया, सलात सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दुआओं की दरख्वास्त की और आपके वास्ते और वसीले से मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। लेकिन उम्रे से वापिस लौट कर 8 महीने हुआ लेकिन तब भी मुझे इस परेशानी से अभी भी नजात नहीं मिली। अचानक रात में तहज्जुद के लिए जब उठा तो दिल में इल्हा हुआ कि एक बड़ी खलकत अब्दुल मुक्तदीर से फायदा उठा रही है, तुम घर में बैठे क्या कर रहे हो। एक बड़ी खलकत जो अल्लाह के कलाम का मुआजिजा है, और आसमान पर बैठा मुक्तदीर ने अब्दुल मुक्तदीर को मुंतकब करके इंतकाब किया है, जाओ तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मेहरबान होती है जब कोशिश इंसान होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब बीमार हुए तो गोली को हाथ में लिया और कहा कि गोली अल्लाह की तरफ से शिफा का हुक्म मिला, तो गोली ने कहा नहीं मिला, अपने उसे फेंक दिया। दूसरी गोली को लिया और कहा कि गोली तुझे अल्लाह की तरफ से शिफा का हुक्म मिला, तो गोली ने कहा नहीं मिला, आपने उसे भी फेंक दिया। तीसरी गोली से आपने बात किया, एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि गोलियों से कैसे बात की जाती है, तो कोई ताज्जुब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल ने हाथ में कंकरियां लेकर आया और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि बता मेरे हाथ में क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि चचा जान मैं बताऊं कि आपके हाथ में क्या है, या आपके हाथ में की चीज बताए तो मैं कौन हूं। कहने लगा कि आपके जो हाथ में, मेरे हाथ में जो है वो चीज बताए आप कौन है। तो कंकरियां कहने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तब अबू जहल ने कंकरियों को जमीन पे पटका और कहा कि मोहम्मद ने इस पर भी जादू कर दिया है। अल्लाह हू अकबर। जब जहन खराब हो जाते हैं, जब दिल खराब हो जाते हैं, जब दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर जबान से निकलने वाले अल्फाज के अंदर में नफरत हो पड़ती है, दिल साफ हो जाते हैं तो दिमाग भी साफ हो जाता है, और जबान से निकलने वाले कलिमात के अंदर भी रहमत और मोहब्बत हुआ करती है। तो अबू जहल के हाथ में कंकरियों ने जो बात की वो मुआजिजा था, और अली के हाथ में जो गोली बात कर रही है वो करामत है। मुआजिजा और करामत वो अल्लाह की जात अक़दस से सादिर होती है, और खुदा की जात के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, क्योंकि कल क़यामत के दिन मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस जबान को बंद कर दिया जाएगा और जिस्म के हर आज़ा कल क़यामत के दिन खुदा के जनाब में शहादत अदा कर देंगे। तुमने क्या
आंखें उड़ाई की, हाथ बात करेंगे, पांच पैर बात करेंगे, जिस्म के हर आज़ा कर कयामत के दिन खुदा की अदालत में तेरे इस जुर्म को साबित करेंगे। तो तीसरी उंगली से गोली से बात किया, उसने कहा हुक्म नहीं मिला, चौथी गोली को लिया, उससे भी बात किया तो उसने कहा कि शिफा का हुक्म नहीं मिला, पांचवी और छठवीं और सातवीं गोली को लिया, उससे भी बात किया तब भी हुक्म नहीं मिला, आठवीं जब गोली को हाथ में लिया तो गोली ने कहा अल्लाह की तरफ से अब शिफा का हुक्म मिल गया है। आपने उस गोली को घर से देखा, मुस्कुराया और कहा कि जब शिफा का हुक्म अल्लाह ने दे ही दिया है, तुझे क्या क्या करो, तुझे खा के क्या करो, उसे भी फेंक दिया। ये ईमान का सबसे आला दर्जा है। हजरत अली तो छोड़ दो, बिलाल के पैरों की गर्द गुबार का जो एक रेत का जर्रा है एक पल्ले में रख दिया जाए, सारे कायनात के वलियों को, खुतबों को, अख्ताबों को, अब्दारों को एक पल्ले में रखा जाए, तब भी वो जो जर्रा है बिलाल के पैरों के नीचे वाला रेत का जर्रा, उस जर्रे की भी वजन क्या कहते हैं बराबर नहीं हो सकता है। तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने वो सहाबा के राम को ईमान का सबसे आला दर्जा अता किया हुआ था। हम तो सुबह में गोली खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बीमारी में इफाका नहीं मिलता, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, लेकिन तब भी हम तदबीर का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है उन मरीजों पर जो हर जगह लुटेरों के हाथ लुट कर तबाह होकर बर्बाद होकर लोटा जाकर चंबू बनकर चौतरफ से चिपके हुए ही नहीं बल्कि जंग जंग आलू चंबू बनकर इस तबीब के पास आते हैं। एक दो चक्कर में मायूस होकर हथियार डालते हैं, कहते हैं कि फिर कब तक आना, मरीज कब तक जाता है तबीब के पास, जब तक कि उसकी बीमारी में इफाका ना हो जाए, उसे उसे बीमारी से शिफा ना मिल जाए। तो आइए, तो मौलाना क्या कहते हैं, कहने लगे कि हाफिज साहब मैं उमरे पर गया, काबे के चक्कर लगाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब अक़दस में मैंने दुआएं भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस परेशानी से नजात अभी छुटकारा नहीं मिला। तहज्जुद के लिए उठा था तो उस वक्त मेरे दिल में इल्फा हुआ है और ऐसा लगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाओ अब्दुल मुख्तदीर के पास जहाँ पर कुरान का मौजिजा है, लाखों मरीज जहाँ पर शिफायाब हो रहे हैं, उम्मीद है कि उन शिफायाबों में तुम्हारा नाम भी आ जाए। तो इसलिए बेटा मैं चले आया हूँ आपके पास, जरा थोड़ा तहकीक करके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा हजरत खिल्ला फिक्र ना करे, चाहे कितने ही लिबासों में छुपा लो खुद को, चेहरा इंसान की हालत का पता देता है। अब आप मेरे मरीज हैं, अब आपको किसी हॉस्पिटल और दवाखाने में इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा मैं चंद दिनों में फिर अमेरिका जाना है, अब मेरा इलाज कैसे होगा। मैंने कहा कि तबीब ने इस मरीज का हाथ पकड़ लिया है, अब फिक्र न करो, अब दुनिया के किसी कोने में आप जाना, आपका यह इलाज करेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान का मौजिजा है, ये खास वस्फ और इनाम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि मरीज दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं, अल्लाह ताला अपने कुव्वत और कुदरत और अपनी ताकत और अपने कलाम का मौजिजा अपने इंतखाब के जरिए से दिखा रहा है। लोगों की अकलें दंग हो रही कि ऐसे कैसे इलाज होता है। एक साहब ने मेरे दोस्त से फोन करके अमेरिका से कहा कि यार हाफिज साहब रहते हैं हैदराबाद में, मैं रहता हूँ अमेरिका में, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कई लोग हाफिज साहब के यानी अकीदत रखने वाले अमेरिका में मुझसे मिल रहे हैं बार बार, ना हाफिज साहब ने उन्हें देखा ना उन्होंने हाफिज साहब से देखा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हाफिज साहब से फोन पे रब्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा साहिबा शिफायाब हो गई, कोई कहता है मेरी बीवी साहिबा शिफायाब हो गई, मेरी बच्ची सीरियस थी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब फोन पर इलाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो गए। मैंने कहा हज़रत क़िबला आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, आप फैसला कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है अल्लाह की जात से, मैं तकदीर हूँ और खुदा की जात तकदीर है, मैं सबब हूँ और खुदा की जात मुसब्बिबुल असबाब है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इस रास्ते में हिकमतें मुझे अता किया हुआ है, जो तदबीर दिए है, उम्मीद है कि इन राहों पर मर जाऊंगा लेकिन आपकी जिंदगी की दुआ करूंगा। मैं तेरा वतालिब दीद हूँ जो तेरी राह में जो शहीद हो, सुबह से शाम तक ये जिहाद कर रहा हूँ किस चीज से, उन बीमारियों से
बीमार को बचाने के लिए, बीमार से बीमारों को बचाने के लिए बीमार से मुकाबला कर रहा होगा। और ये सारी बीमारियां भी तो अल्लाह की तरफ से है, और इन बीमारियों से क्या कहते हैं मुकाबला करने के लिए भी खुदा ने मुंतखब किया हुआ है। मैंने हजरत ने मुझसे कहा कि बेटा, फिर मैं जो उमरा करने गया था हुजूर के जनाब में, जो मैंने सलाम किया, फिर इसका क्या होगा, ये क्या मामला है, जबकि वो इल्म के फाटे मारते हुए समंदर है, या तो मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, या उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में मैंने वो सवाल का जवाब नहीं आ रहा है और वो समझ नहीं पा रहे बीमारी की वजह से या अल्लाह की हिकमत की वजह से। कभी कभी इल्म रखने वालों को भी अल्लाह ताला है हम जैसे कम इल्मों के सामने ये बताना चाहते हैं कि तुम अपने इल्म पर गुरूर और तकबर न करना, हम ऐसे शख्स को तुम्हारे सवाल के जवाब के लिए इल्म अता करते हैं जिसे देख कर तुम कहते तुम पढ़े ना लिखे मियां, ये सब कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं। किसी जमाने में हजरत आपके जहन में ये बात आ रही थी, जब इसके चर्चे सुन रहे थे तो आप कह रहे थे कि ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, ये लोगों को उल्लू तो नहीं घुमा रहा है, लोगों से क्या कहते हैं कोई गलत खेल तो नहीं खेल रहा है। लेकिन आज आपके इस सवाल का जवाब आप सुन लीजिए। आपने कहा कि काबतुल्लाह के गिर्द मैंने तवाफ किया और काबे को पकड़ कर मैंने दुआएं की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने दुआओं की दरख्वास्त की। लेकिन अब इसका क्या होगा, क्योंकि जिस बीमारी के लिए मैं शिफा के लिए दर बदर भटक रहा था, आप कह रहे हैं इस मर्ज की दवा मेरे पास है और शिफा अल्लाह के पास है। जब मर्ज की दवा यहाँ है तो फिर वहां जो गया अब उसका फायदा क्या होगा। मैंने कहा वहां जाने का फायदा है कि आसमानों पर बैठा मुस्तदीन ने आपको फायदे की जगह तक पहुंचाया, कि जहां ये तकदीर है मैं आसमानों पर बैठा हूं वो तकदीर है। काबे का गिर्द घूमना आपको नबी तक पहुंचाया, नबी से दुआओं की दरख्वास्त करवाना नबी के गुलाम तक पहुंचाया। अमीर हूँ ना मैं बादशाह ना वजीर हूँ, तेरे मुस्तफा मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ। सुबह मिलती है भीख, शाम तक लोगों को हुजूर का सदका तकसीम करता हूँ, और जो ईमान और यकीन के साथ मेरे महबूब मुस्तफा का सदका जो कुरान की शक्ल में है, आए ये कुरान का मौजिजा है। जो सुबह से शाम तक लोग आते हैं अल्लाह ताला अपने फजल करम से उन्हें शिफा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाज को मैंने अपने हाथ में लिया और तदबीर इख्तियार किया और कोशिश करता रहा। हजरत तो अमेरिका पहुंच गए, 15-20 दिन के बाद वहां से अपने बेटे से कॉल करके कहा कि बेटा, जिस मर्ज से मैं 8-9 महीने से परेशान था, अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिफाया हो गया। हाफिज़ साहब को बुलाओ, पीरानी माँ को बुलाओ और बच्चे को बुलाकर घर में जरा गुलपोशी करना और दावत भी दे देनी। तो मुझसे मौलाना जब मुलाकात की तो मैंने कहा कि बस हजरत से सलाम अर्ज कर देना, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखे हुए मुकद्दरात है। यानी जो सवाल आपके आज जहन में आ रहा है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा अल्लाह ताला देते हैं, फिर ये दवा और दवा ये सब चीजें क्या है, ये सवाल हुजूर लासम से सहाबा ने किया। तासीर तो जरूर दवा और दुआ में है, लेकिन रही शिफा और दस्ते खुदा में है। सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम बीमार हो जाते हैं किसी तबीब के पास जाते हैं, जब हम किसी मसाइल और किसी परेशानी और किसी और किसी के शहर का जब हम असर हमारे ऊपर हो जाता है, तो फिर किसी शख्स के पास जाकर दुआ पढ़वा लेते हैं, जबकि ये दोनों चीजें अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है। क्या दवा और दुआ से तकदीर बदल जाती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर सहाबा ने सवाल करके हम सबके जहनों में कयामत तक के आने वाले इन सवालात के जवाब सहाबा ने पूछा और हुजूर ने जवाब दे दिया, और हमारी बेचैनी और बेकरारी को हुजूर ने कयामत तक के दूर कर दिया। कि सहाबा ने कहा कि ये दोनों चीजें अल्लाह ने तकदीर में पहले लिख दी हैं, क्या ये दवा और दुआ से तकदीर बदल जाएगी? अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दवा और दुआ ये खुद भी तकदीर है। अल्लाह ताला ने तकदीर में बीमारी लिखी है,
और साथ में दवा लिखा है। अल्लाह ताला ने तकदीर में नजर बद का असर तुम्हारे ऊपर होना लिखा है, ये किसी का सहर या किसी की शरारत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है और राहें और रास्ते तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। खुदा को मानता है ईमान है, तो खुदा के हुक्मों को मानना ये भी ईमान है। अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह के हुक्मों को मानना ये भी ईमान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ये शैतान मर्दूद एक मर्तबा जरा मुलाकात करवा दीजिए, अगर एक मर्तबा आदम को सजदा किया होता तो हम सब कियामत तक के लिए आने वाली नस्लें आराम से होती, जहन्नम की सूरत ही ना पड़ती, सब माशाल्लाह ऐश और इशरत के साथ होते, ये अजीब गरीब सजदा न करके हम सबको मसाइल और मुसीबत और परेशानी में क्या करते डाल दिया है। एक दिन इबादत खाने से निकल रहे थे तो कहीं बूढ़ा लकड़ी के सहारे कपकपाते हुए जिस्म के साथ लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खड़ा हुआ है, आवाज दिया इब्राहिम, पलट कर देखे तो कहने लगा आप मुझसे मुलाकात करना चाहते थे, आप करीब गए, बोले कौन है तू, बोले आप जिससे मुलाकात का शौक रखते हैं और अल्लाह ताला से आपने कहा था कि एक मर्तबा मुलाकात करना चाहता हूँ, वही हूँ जो आप मेरे से मिलना चाहते हैं। आपने दामन पकड़ा और झटका दिया और कहा कि मर्दू एक मर्तबा अगर तू सजदा कर लेता आज ये मसाइल और परेशानियों का सब लोगों को सामना ना करना पड़ता। तो वो कहने लगा कि इब्राहिम सब कहते आपके जबान से ये शिर्किया कलिमात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे, आप अल्लाह ताला के खलील हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, सब कहते मुझे मंजूर था, लेकिन अल्लाह ने जिसे खलील कहा, अल्लाह ने जिसको अपना दोस्त बनाया, वो अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब कहते आप ये सवाल मुझसे ना करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वजूद के अंदर लर्जाकारी हो गया, कपकपाहट आ गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे वजूद के अंदर से अब ईमान रुखसत हो रहा है। वाकई सही बात है, इब्राहिम बताओ अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कैसे करता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हो गए, सर झुकाए और ऐसा लगा कि ईमान रुखसत हो रहा है। आसमान से आवाज आई, ऐ इब्राहिम घबराओ नहीं, इस मर्दूद से कहो कि सजदा करने का हुक्म किसने दिया था। अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह के हुक्म को मानना भी ईमान है, और हुक्म किसने दिया था आदम को सजदा करने का, इतना कहना था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे लगा ईमान फिर मेरा दोबारा मेरे वजूद के अंदर मुंतकिल हो रहा है और शैतान हाथ मलते हुए रुखसत हो गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर को भी शैतान चकमा दे सकता है और आपके जहन से खेल सकता है, आपके दिमाग से खेल सकता है, और अल्लाह ने इतना इल्म दिया लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको भी चकमा दे सकता है, तो फिर आपका और मेरा हाल क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, एक यहूदी आया और कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, तो आपने कहा शक है तुम्हें, तो बोले हाँ, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरा शक दूर हो जाएगा और मैं कलमा पढ़ लूंगा। बोले क्या है, बोले मेरे हाथ में रोटी है, बताओ ये रोटी मेरे मुकद्दर में है या नहीं है, अगर आप बताएंगे मेरे मुकद्दर में ये रोटी है या नहीं है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़हन में दिल में दिमाग में आया अगर हुजूर कहेंगे तेरे मुकद्दर में है तो फेंक देगा, कहेंगे नहीं है तो खा ले। तो ये गुस्ताखी कर रहा है, रिसालत में आपसे कहा वली सल्लम ने अपने तलवार निकाला और कहा कि गुस्ताखी कर रहे हैं रिसालत में आपसे नासलम ने, आपने कहा कि रुक जाओ, फिर सर झुकाया, थोड़ी देर के बाद फिर देखा और कहा कि बोलो क्या बोल रहे हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही हुआ करती है, अपनी तरफ से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से वही आया करती है। हुजूर ने फिर पूछा बता तेरा सवाल क्या है, वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता ये रोटी मेरे मुकद्दर में है या नहीं है। आपने मुस्कुराकर कहा ऐ यहूदी तो इस रोटी के साथ जो करेगा वो तेरे मुकद्दर है, खाएगा तेरे मुकद्दर है, फेंक देगा तेरे मुकद्दर है। तो फौरन बेसाख्ता कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व
ان محمد عبده ورسوله. अल्लाह ताला ने हर एक के जो मुकद्दर लिखा है, जो तकदीर लिखा है, हम समझते हैं कि मेरे मुकद्दर में शायद ही बीमारी लिखी है, ये मेरा तकवा है, अब इसके इलाज के लिए मुझे अल्लाह को छोड़कर अब दर बदर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है. मैं ईमान कामिल रखने वाला हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ. नहीं नहीं, तौहीद ये नहीं है कि मुसल्ला बिछा कर अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, मांगो जरूर, लेकिन जो चीज तुम चाहते हो उसकी तलाश भी करो जरूर. अल्लाह से रिस्क मांगो और फिर उसके लिए तदबीर इख्तियार करो. देखो अल्लाह ताला वो राहों पर अपने मदद और नुसरत के जरिए से तुम्हारे पेट की आग को बुझाएगा, तुम्हारे खुश गले को तर करेगा. तो अल्लाह ताला ने अपने अपने फजल से अपने बंदों के मुकद्दर में जो तकदीर लिखा है, सहाबा ने वो सवाल कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और क्या कहते हैं, परेशानी भी अल्लाह की तरफ से आती है, क्या दवा और दुआ से हमारी तकदीर बदल जाती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा और दुआ ये कुतबी तकदीर है. तकदीर में लिखा है कि बीमारी आएगी और आगे लिखा है दवा खाएगा और आगे लिखा है शिफा होगी. तो बहुत सारे लोग किसी तकदीर के मामले में उलझन का शिकार होकर अपने आप को मुत्तकी समझते हैं और सबब का रास्ता इख्तियार की बगैर मुसब्बिबत असबाब से चाहते हैं कि वह हमारी किस्मत के फैसले बदल ले. जैसे एक नौजवान 6 महीने तक मेरे पास आया और कहने लगा कि 6 महीने से आ रहा हूं, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. मैंने कहा अब लाखों लोगों को फायदा हुआ है, अब तुझे फायदा नहीं होना है तो मेरी क्या गलती है? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है कि लाखों मरीज यहाँ आकर अल्लाह के कलाम के जरिए से वो फायदा हासिल किए हैं और बीमारी से शिफा हासिल किए हैं, परेशानी से उन्हें जन्म जात छुटकारा मिला है. लेकिन तुम क्या फायदा चाहता है? तो कहने लगा कि मैं औलाद चाहता हूँ. औलाद की ख्वाहिश ने आपके पास 6 महीने से चक्कर लगाने पर मजबूर किया है. मुझे बच्चे हाफिज साहब बहुत पसंद है. मैंने कहा मुझे जहाँ तक याद है जितने मर्तबा भी तुम आए हैं उसमें से कुछ मर्तबा मैंने तुमसे कहा कि अपनी अहलिया को भी ले आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बांझपन था अल्लाह के फजल करम से कुरान का मौजिजा है वो दूर हो चुका है, लेकिन देखे कि औरत के अंदर भी कोई बांझपन होगा. तो कहने लगा कि हाफिज साहब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन हालात की मजबूरी है, लेकिन अब क्या कहूँ हाफिज साहब, मुझे माफ करिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है. मैंने कहा शादी नहीं हुई फिर तो बच्चे किसे होते हैं? तो कहने लगा कि आप चाहे तो क्या नहीं होता है, तो कुछ लोगों के यकीन और अकीदे है ऐसे गलत हुआ करते हैं कि वो अपने यकीन और अपने अकीदे के जिम्मेदार हैं, उनकी यकीन और अकीदे पर मेरा ईमान वो यकीन नहीं है. वो जो कहते हैं वो अपने ईमान के साथ अपने यकीन के साथ कहते हैं और ऐसे ही ईमान वो यकीन रखने वालों की बड़ी इसलाह करता है. मैंने कहा यार निकाह के बगैर तुम बच्चे कैसे होंगे? नहीं, आपकी दुआ में अल्लाह ने असर दिया था, अल्लाह के बंदे वाकई अल्लाह ने असर जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मैंने दुआ पढ़ ली और तुम खुद साहिब क्या कहते हैं औलाद हो जाए, तुम्हें हमल खड़ा हो जाए और तुम क्या कहते हैं अपने औलाद की ख्वाहिश को पूरा कर लो. ऐसा नहीं हो सकता है. अल्लाह ताला ने दुनिया के एक सिस्टम एक निज़ाम बनाया है. मियाँ बीवी के क्या कहते हैं निकाह के बाद आपस की मुलाकात के बाद क्या कहते हैं हमल खड़ा होता है, फिर उसके बाद वो साहिब औलाद होते हैं. अल्लाह ताला की जात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला की जात हर चीज पर कुव्वत रखती है, कुदरत रखती है, ताकत रखती है, मुख्तार कुल है, इख्तियार रखता है कि बगैर बाप के ईसा अलैहि सलाम को पैदा कर दिया और कहा कि मैं कुव्वत और कुदरत और अपने इरादे के साथ जो चाहे फैसले कर सकता हूँ, फिर उसके साथ बगैर बाप के हव्वा को पैदा किया, बगैर क्या कहते हैं माँ के हव्वा को पैदा किया, इधर बगैर बाप के ईसा को पैदा किया और उधर बगैर क्या कहते हैं बाप बगैर माँ के हव्वा को पैदा किया, आगे और देखिए बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया, इधर बगैर बाप के ईसा को पैदा किया और उधर बगैर माँ के हव्वा को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करके बता दिया और कहा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरी जात हर चीज पर कुव्वत रखती है, कुदरत रखती है, ताकत रखती है, इख्तियार रखता हूँ, लेकिन इस जहान को मैंने दारुल अज़बाब बनाया है. निकाह के साथ आपस में मुलाकात के जरिए से
मैं औलाद को दुनिया में वजूद बख्शता हूँ, लेकिन मुलाकात के साथ साथ भी मेरा हुक्म और मेरा इरादा अगर शामिल हाल हो तो साहिब औलाद होते हैं। मेरा रब कहता है जिसको चाहता हूँ बेटे दे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ दे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ इम्तिहान है मेरा औलाद जैसी नेमत से महरूम करता हूँ। उस महरूमी के पीछे भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी 60 साल तक आजमाते रहा, 60 साल तक वो दुआ करते रहे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। 60 साल तक मांगते रहे और खुदा सुनता रहा। फरिश्ते आवाज देकर कहते कि खुदारा तेरा दोस्त है, इतनी मर्तबा मांग रहा है, कहीं मायूस ना हो जाए। तो मेरा रब कहता है फरिश्ते खामोश हो जाओ, मुझे इब्राहिम की आवाज बहुत अच्छी लगती है। ख्वाजा अजमेरी संजीर रहमतुल्लाह अलैह का वाकिया है कि वो हज पर तशरीफ ले गए तो देखा कि एक हाजी मीना के मैदान में कह रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आवाज आती है ऐ मेरे बंदे तू हाजिर नहीं है। वो फिर कहता है ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो आवाज आती है ऐ मेरे बंदे तू हाजिर नहीं है। ये कहता मैं हाजिर हूँ, फिर अल्लाह कहता है तू हाजिर नहीं है। तो ख्वाजा अजमेरी संजीर रहमतुल्लाह अलैह उस हाजी के करीब गए और कहे कि यार तू कह रहा है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तू हाजिर नहीं है, ये क्या मामला है? तो अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की हम और अल्लाह ताला की इश्क और मोहब्बत के ऐसे नगमे गाया, मेरा सर चका गया। ये तो अजीब मामला दिख रहा है, चलिए अल्लाह इससे नाराज होगा, ये अल्लाह का बागी होगा, अल्लाह का बेवफा होगा, अल्लाह का नाफरमान होगा, गद्दार होगा, लेकिन अल्लाह के हम्द और अल्लाह की तारीफ और अल्लाह ताला की कमालत और खूबियाँ, अल्लाह की कुव्वत और खुदरत और ताकत और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से इश्क और मोहब्बत के ऐसे नगमे गा रहा है, मेरा सर चकरा गया। मैं हैरान हुआ कि अल्लाह ये क्या मामला है? अब मैं सीधा गारे कर हाजिर हूँ और कहे के अल्लाह ये कह रहा मैं हाजिर हूँ और आप कह रहे हाजिर नहीं है, ये क्या मामला है? तो अल्लाह ने कहा कि मोइनुद्दीन अगर मैं कहूंगा तू हाजिर है तो ये अगले साल नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बार बार बुलाना चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ तू हाजिर नहीं है। उस हाजी से पूछा भाई कब से आ रहे हैं? बोले 24 साल से आ रहा हूँ और ये आवाज 24 साल से सुन रहा हूँ, 24 साल से आ रहा हूँ हज पर और 24 साल से यही एक आवाज सुन रहा हूँ, बता तो सही इस अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह है जिसे जाकर पुकारो? ये एक ही तो अल्लाह है जिसको पुकार रहा हूँ, वो कह रहे हैं हाजिर नहीं हूँ, मर्जी उसकी, लेकिन मैं तो हाजिर हूँ और कह रहा हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, वो कह रहे हैं हाजिर नहीं है, तो मुझे क्या करना है? तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा, मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा, मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा, मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं याद में तेरी सबको भुला दो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दो, खाने दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दो, हम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपने गिरा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे, तेरा अदा बनकर मैं किसी का दस्ते नगर ऐशा न हो, बंदे मानो जन्न बनू मैं तालिब इज्जो जान न हो, राह पे तेरी पड़ के कियामत तक के मैं कभी बेराह न हो, चैन न लो जब तक के राज वहदत से आगाह न हो। तो मेरा रब कहता है कि मोइनुद्दीन मैं इसे बार बार अपने घर बुलाना चाहता हूँ, अगर मैं इससे कहूँ तू हाजिर है तो अगले साल नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, एक चीज जहन में रख लेना कि इस गरीब के पास रुजू होने वाले बीमार बड़े बड़े बीमारियों से शिफा पा लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी जिंदगी में कभी कुछ चलते ही रहता है, तो उनके जहन में एक सवाल आता है यार एक मर्तबा चले गया अब ऐसा लगता है कियामत तक अब हाफिज साहब के साथ ही रहना है। यानी बस जो बद अकीदा होते हैं, बास के दिमाग और जहन जो खराब होते हैं, जिनका दिल और दिमाग साफ होता है, वो कहते हैं कि यार अच्छा वो एक घर मिल गया,
جب بھی آتا ہوں ایمان جب بھی آتا ہوں خدا کی یاد میرے دل میں اور میرے کیا کہتے ہیں اعمال میں کیا کہتے ہیں اس کی محبت آتی ہے. تو ایک سوال ہے کہ بیماری تو چلی گئی لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ بیماریاں میرے ساتھ لگے ہوتے ہیں, پھر بار بار جانا پڑتا ہے, کوئی ایسی دعا پڑھ دینا کہ پھر دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ایک چیز ذہن میں رکھو, ایمان نام ہے ایک آگ کے ڈلے کا. سبحان اللہ, اگر تھوڑا سا غفلت بڑھ دیں گے تو اس آگ پر ایک راک کی تہ جمے گی, پھر اور ایک تہ جمے گی, تھوڑا اور غفلت زیادہ ہوگی تو اور ایک تہ جمے گی, اور ایک تہ جمے گی. زیادہ اگر تہ جم جاتی ہے تو وہ انگار کے ڈلے کو بجھا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کے اس ڈلے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پھونکوں کے لیے آپ کے لیے بھیجتا ہے. وہ آگ وہ راک اڑ جاتی ہے پھر وہ آگ جلنے لگتا ہے. ارے کیا ہے, ایک مرتبہ دعا پڑھ کے پھر 15-20 دن تک فریش رہتا ہے. وہ فریش کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کی آگ دہکنے لگتی ہے. اور کیا کہتے ہیں, ایمان برقرار ہوتا ہے جیسے جیسے بجھنے کے قریب ہوتا ہے, بے چینی اور بے قراری اب اسے ایسی لگتی ہے کیا ہو گیا. تو ایک چیز ذہن میں رکھیے, بیماریوں کے ساتھ بھی بیماریاں بار بار لوٹ کر اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ 5-7 star ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لینا کہ ایک بریانی کی مشقاب آپ کے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اور اس کے نیچے ٹمٹماتا ہوا چراغ رکھا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ہی آئے گا وہ چراغ اس پلیٹ کو اس کیا کہتے ہیں مشقاب کو گرم کرنے کے لیے. نہیں نہیں, پہلے سے وہ مشقاب گرم ہوتی ہے, اس کی گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ چراغ لگایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بیماریاں حافظ صاحب کی دعا سے دور تو کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیماریوں کے بہانے اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ برقرار رہے. ذرا سا غفلت ہو جائے تو پھر دنیا کے پھر ادھر ادھر مصروفیات میں صحت تو مل جائے گی لیکن ایمان کہیں سینوں سے رخصت ہو جائے گا تو بیماری دفاع ہو جاتی ہے. ایمان سینے میں آ جاتا ہے, خدا کی معرفت اور اس کی محبت کے ساتھ نبی کی اطاعت اور اتباع کا راستہ مل جاتا ہے. تمام پیرانی طریقہ بزرگان دین کے جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے عبد المختدیر بار بار آپ سے کہتا ہے کہ نذرانہ لا کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں, نظر آتے رہنا. تو میرا کیا کہتے ہیں, میں ابھی آپ سے جو کہہ رہا تھا کر رہا ہوں. میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے اور حافظ صاحب عجیب بات کر رہے ہیں, میں نے تمہیں دیکھا ہے. 70,000 پردوں میں سے خدا نے ارے اپنی تجلیہ جب پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ چل کے راہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جو قریب میں تھے بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ کہیں گے جب پہاڑ جل گیا تو موسیٰ کیوں نہ جلے؟ اللہ تعالیٰ نے قلب کو اس میگنیٹ کی طرح بنایا, خدا کی تجلیہ جو تھی میگنیٹ کی طرح وہ قلب اپنے اندر منتقل کر لیا اور موسیٰ جلنے سے بچ گئے. جانتے ہو پہاڑ برداشت نہیں کرتا ہے لیکن روزانہ
अल्लाह वालों को खुदा ने वो दिल दिया है, दिन में कई के मरतबा खुदा के अनवार और बरकत की तजल्लिया को उनके कल्ब पर पड़ते हैं, उसी का असर उनके चेहरे पर जाहिर होता है। जब वो नजर डालते हैं तो तकदीर बदल जाती है। तूने पी किताबों से, निगाहों से, फर्द है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने, किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों के नजर से पैदा। तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। ऐसा नहीं देखे हाफिज साहब, आप कहाँ देखे, कैसे देखे, जरा बताइए तो सही। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने वजन पर हमारे शायर साहब ने वो लिखा था, मैंने यहाँ देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, सिद्दीक की शफ़क़त में, आरोप की सत्वत में, उस्मान की हैबत में, कन्नार की हैबत में, मैंने तुम्हें देखा, मकान भी उसी का है, जहान सब उसी का है, जहान भी उसी का है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, ये जान तन ये मन ये धन चमन चमन जमन जमन, ये जान तन ये मन ये धन चमन चमन जमन जमन, ये बर गुबार फूल फल शजर समर, ये दश्त बन उसी की जात पाक के है हुक्म से ये अंजुमन, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है, हर कतरे पारा मेरा, हर जर्रे ताबा मेरा, हर बर्ग गुलिस्ता में, हर नूर दरख्शां में, मैंने तुम्हें हजार